नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी टेक न्यूज़ की एक और फ्रेश एपिसोड में। मैं हूँ गुंशा, लेके आपके लिए कमाल की टेक न्यूज़। तो चलिए आज बात करते हैं काफ़ी दिनों के बाद आईफोन के बारे में, सैमसंग के बारे में, जियो के बारे में, गूगल पिक्सल 2, उसके बाद आपका हॉनर 9 आए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्पल के बारे में। तो आईफोन 8 और 8 प्लस के ऊपर काफ़ी बड़ी सेल्स आ रही है, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आपको सेल मिल जाएगी। यानी जो जियो की तो ऑफ़र चली रही थी कैशबैक की, लेकिन आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर भी सेल मिल जाएगी 12 बजे, जो थर्सडे को चालू होने वाली। तो वो फेस्टिव ऑफ़र धमाका होगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड हो गया, फिर कुछ भी होगा। लेकिन बीच में शायद आईफोन 8 में प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, तो कंपनी ने बोला हम फिक्स करेंगे, तो जो फेस आईडी था वो भी वर्क नहीं कर रहा था अच्छे से। तो ऐसे में पता नहीं अब आईफोन कैसे इसका रिस्पांस में देता है। लेकिन बाकी फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया था, आईफोन 8 रिपोर्ट्स भी अच्छा है, ये बिकना भी शुरू हो गया है। अब देखते हैं इंडिया में कब से डिलीवरी स्टार्ट होती है। अब अगला अपडेट आता है सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का एक जो कल फ़ोन था वो एक्सप्लोड हो गया, मैन यानी एक आदमी के पॉकेट में उसकी वीडियो भी आई थी। तो कंपनी ने थर्ड पार्टी बैटरी को ब्लेम किया है। यानी हुआ ये था कि यानी सैमसंग ने कहा कि भाई बैटरी दूसरी थी, थर्ड पार्टी की बैटरी थी, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ऐसा वैसा। तो उन्होंने थर्ड पार्टी को ब्लेम किया यहाँ पे सैमसंग ने। पता नहीं अब सैमसंग का ऐसा करना ठीक था या नहीं, या फिर पता नहीं ऐसा बोल तो रहे थे कि वो थर्ड पार्टी कंपोनेंट था इसलिए वो ब्लास्ट हो गया। भाई अगर ब्लास्ट हुआ है तो यार तुम जिम्मेदारी लो ना, तुमने बैटरी बोली थी ना थर्ड पार्टी को डालने, वो थर्ड पार्टी ने थोड़ी सामने से बैटरी डाली, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो अभी अगला अपडेट आता है हॉनर 9 आई के बारे में। तो हॉनर 9 आई जो 4 कैमरास के साथ लॉन्च हो गया है, 5.9 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा। उसके बाद आपको ये 18,000 रुपये में मिल जाएगा हॉनर का 9 आई, और बस 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा कंट्री में मिलना। उसके बाद आपको 10,000 mAh की क्विक चार्ज पावर बैंक भी मिलेगा। और इसके अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते तो स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। यानी 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, ड्यूअल रियर कैमरे से दोनों साइड पे, यानी 4 कैमरे। उसके बाद स्नैपड्रैगन का भी आपको 635 मिल जाएगा। बस बाकी अच्छा है, 4GB रैम है, नुगेट मिल जाएगा, 3500 mAh बैटरी लगभग इसकी। तो फ़ोन तो काफ़ी बढ़िया है। अब अगला अपडेट आता है यानी जो सेल्स चालू होने वाली है वो तो आपको बता दिया। अब अगला अपडेट आता है पिक्सल 2 और पिक्सल 2 XL के बारे में। तो पिक्सल 2 और पिक्सल 2 जो गूगल इवेंट में लॉन्च हुआ था वो इंडिया में अभी पहले 6 कंट्री, यानी वो इंडिया भी हिट है उसमें, तो इंडिया में भी आएगा। तो पिक्सल XL 2 जो वो लॉन्च होगा 73,000 में, वो एक 64GB वेरिएंट होगा, और जो 82,000 का होगा वो होगा आपका 128GB वेरिएंट। उसका नोट 8 भी आपको 68 में मिल जाएगा। लेकिन आईफोन एक्स 89,000 64GB वेरिएंट और 1,02,000 का 256GB वेरिएंट। तो बस यही था। और गूगल पिक्सल 2 और एक्सेल 2 दोनों ओरियो के साथ आपको इनबिल्ट आएंगे, तो काफ़ी तगड़े फ़ोन होने वाले गूगल पिक्सल 2 और पिक्सल एक्सेल 2। अब देखते हैं इंडिया में इसकी डिलीवरी कब चालू हो जाती है। और दोनों में ड्यूअल रियर कैमरे, भाई तो फ़ोन तो काफ़ी ज़बरदस्त बनाए हुए। और आखिरी अपडेट आता है जियो के बारे में। तो ये ओपन सिग्नल ने कहा है कि जियो इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया, लेकिन अभी भी एयरटेल सबसे फास्टेस्ट है। तो उसने जो लेटेस्ट एडिशन रिपोर्ट्स में थी तो ये बताया कि जियो सबसे वाइड नेटवर्क है, पर एयरटेल अभी भी सबसे फास्ट है। उसके बाद थोड़े से और थे, गैलेक्सी J5 प्राइम को भी एंड्रॉयड का अपडेट आ रहा है अब 7.0 का। बस यही थी आज की सब अपडेट। तो शुक्रिया दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम। और शुक्रिया 250 सब्सक्राइबर्स के लिए जो आपने